हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अन्नू कुमार एंड आप स्टडी कर रहे हैं गीता आईएएस एकेडमी चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, जो लोग आज का सेशन मिस करेंगे, अगर किसी ने भी एक भी क्वेश्चन को मिस किया तो समझो उनका एक या दो नंबर गया। आज का जो सेशन है, इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सेशन में भी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की जो होनी है, करंट अफेयर का आज पार्ट 5 डिस्कस करेंगे हम। करंट अफेयर के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेकर आया हूँ आज, फिर उनको डिस्कस करेंगे। अच्छे से लर्न कर लेना है आप लोगों को। अगर आज एक ही दो क्वेश्चन भी आप मिस करते हैं तो समझ लीजिए पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन को मिस कर रहे हैं, तो आपका ही लॉस होगा इसमें। आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, सभी क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लें। और आपको एक बात और बतानी चाहूँगा मैं, जो मेरा वीडियो लेक्चर है, मेरे वीडियो लेक्चर में आपको जो स्पेशल करंट अफेयर्स का जो मैं लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है, करंट अफेयर का जो सेशन स्टार्ट किया हुआ है 2019 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, हमारा जो वीडियोज में, जो मेरी वीडियोज में स्पेशल चीज़ वो क्या है, वो यूपी का करंट अफेयर भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, जिससे 2, 5 या 10 नंबर तक भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। सो फ्रेंड्स, मेरे हर वीडियो में आप देखोगे उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, ऑल इंडिया का करंट प्लस यूपी का करंट, ये दोनों ऐड रहते हैं। मैं इन दोनों को लेवल में, बैलेंस में बनाकर चलूँगा, जिससे आप लोगों को कोई दुविधा ना हो, कोई आपको प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, आपको किसी प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़े। सो फ्रेंड्स, जो मैं आज लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स है, उसमें यूपी के भी हैं। डेली मैं कोशिश करता हूँ, डेली जो मैं लाता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ सकूँ। सो फ्रेंड्स, पार्ट 5 को डिस्कस करते हैं। चलिए पार्ट 5 को देखते हैं। और जो फ्रेंड्स हमारे साथ न्यू फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, और इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप उनको एक साथ लर्न कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, वो एकदम पेपर में आने लायक पॉसिबिलिटी उनकी पूरी पूरी है पेपर में आने की। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेकर हाजिर होता हूँ। सो फ्रेंड्स, इतने अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप क्वेश्चंस देखिए, उनके आंसर देखिए, और लाइक का थम तो बनता ही है सभी लोग। अगर वीडियो अच्छी लगे, एंड तक वीडियो को देखना, एंड तक लेक्चर को देखना। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अनलाइक करिए, कुछ तो करिए, लाइक अनलाइक कुछ भी करिए, सब कुछ हमें एक्सेप्ट है आप, बट आप करिए, बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना है आपको वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ट्रिपल स्टार के लिए जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, हम 3 स्टार देंगे इस क्वेश्चन को, ट्रिपल स्टार दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 जारी की गई, पीसीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, पीसीएस में, यूपी पीसीएस 2018 में भी शायद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आया था। पीसीएस, यूपी पीसीएस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछा जाता है, डिक्टू पूछा जाता है बिल्कुल एकदम। मानव विकास रिपोर्ट 2018 जारी की गई, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पूछता है किसके द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अच्छे से इसको ग्रैब कर लो, एक तरीके से माइंड में बिठा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जितने एरो बनाए हैं इतने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है इस रिपोर्ट से संबंधित अदर क्वेश्चन। शीर्ष मानव विकास वाले देश, अब जो मानव विकास, इस तरीके से क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में शीर्ष मानव विकास वाले देश हैं, या शीर्ष मानव विकास वाला देश है, पहले स्थान वाला देश कौन सा है, वो है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, 3 स्थान पर ये जो फर्स्ट 3 पोजिशन पर है, नॉर्वे पहला स्थान, स्विट्जरलैंड दूसरा, ऑस्ट्रेलिया तीसरा, सबसे निचले स्थान पर, ये भी पूछा जा सकता है, सबसे निचले स्थान पर मानव विकास रिपोर्ट 2018 में कौन सा देश रहा है, नाइजर, सबसे निचले स्थान पर नाइजर। भारत की स्थिति क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है भारत की स्थिति से, भारत की स्थिति वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। भारत रहा 130वें स्थान पर रहा 0.640 अंकों के साथ, 0.640 डिजिट्स अंकों के साथ भारत 130वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है अल्फांसो आम, गोवा के अल्फांसो आम है, आम की जो प्रजाति है गोवा की, अल्फांसो आम को 2018 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2018 के अनुसार शीर्ष तीन धनी भारतीय कौन कौन से हैं 2018 की फोर्ब्स लिस्ट रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग। नंबर फर्स्ट पोजीशन पर है मुकेश अंबानी, सेकंड अजीम प्रेम जी, थर्ड लक्ष्मी निवास मित्तल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, शहरी पर्यटन पर सातवां वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया, शहरी पर्यटन पर सातवां वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया सियोल, दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल में, और इसकी थीम क्या थी। थीम देखिए इसकी, आ 2030 विजन फॉर अर्बन टूरिज्म, आ 2030 विजन फॉर अर्बन टूरिज्म, ए 2030 विजन फॉर अर्बन टूरिज्म इसकी थीम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, अल नगा अभ्यास आयोजन किया जाता है, अल नगा अभ्यास आयोजन किया जाता है भारत एवं ओमान की थल सेनाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह है, अभी जो घोषित किया गया है ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह कौन सा घोषित किया गया है, कैल्ट नाइन बी को सबसे बड़ा सबसे और ये सबसे गर्म ग्रह घोषित किया गया है, और ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह घोषित किया गया है केल्ट नाइन बी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लेना अच्छे से। और हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है उसका नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप सभी। ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह है केल्ट नाइन बी, अभी हाल ही में इसको ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह घोषित किया गया है। इसी के साथ आप लोग ये बताइए हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाल ही में भारत में हाथियों की हाथियों की गणना की गई, उसके अनुसार भारत में हाथियों की कुल संख्या है 27,312, हाल ही में की गई है, सो इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक हाथियों की संख्या भारत में किस राज्य में है, कर्नाटक, सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर एट, भारत का पहला विश्व धरोहर शहर है अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर नाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नासा द्वारा प्रक्षेपित, हाल ही में नासा द्वारा प्रक्षेपित पार्कर सोप प्रोब प्रक्षेपित मिशन है, नासा द्वारा जो प्रक्षेपित पार्कर सोर प्रोब मिशन है वो किससे रिलेटेड है, सूर्य के अत्यंत निकट जाकर उसका अध्ययन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टेन, पहली बार इबोला वायरस की पहचान की गई थी 1976, दसवें पर्सन इबोला वायरस की सर्वप्रथम पहचान की गई थी 1976। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जमाएं स्वीकार करेगा, 1 लाख रुपए तक की धनराशि जमाएं स्वीकार करेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची 2018 में शीर्ष स्थान पर है, फोर्ब्स द्वारा जो विश्व के अरबपतियों की सूची 2018 में घोषित की गई है उसमें सर्वोच्च स्थान पर है अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, 112 अरब डॉलर, पूरे वर्ल्ड में अभी तक कोई भी 100 अरब डॉलर से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया था, और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने 2018 में वो कर दिखाया जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं कर दिखाया है। सो इनकी जो शीर्ष स्थान पर सूची में आए हैं, इनकी जो संपत्ति 112 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूपी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यूपी के अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष पूर्व डीजीपी ब्रजलाल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें प्रश्न, 26 से 28 अक्टूबर 2018 के मध्य, अभी अक्टूबर में 26 से 28 अक्टूबर 2018 के मध्य कृषि कुंभ आयोजित किया गया लखनऊ में, इम्पोर्टेंट है, लर्न कर लेना इसको अच्छे से। 15वां प्रश्न, 15,
यूपी ट्रेवल मार्ट का उद्देश्य है, यूपी ट्रेवल मार्ट का उद्देश्य है राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 16 को मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगा। अभी इसी तरीके का क्वेश्चन UPPCS में भी आया था। UPPCS में सेम आया था कि जो अभी एक्सप्रेसवे बनाया है यूपी गवर्नमेंट ने, बताइए कि वो निम्नलिखित में से किन जिले से होकर नहीं गुजरता। इस तरीके का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी UPPCS में पूछा गया था, द बेस्ट क्वेश्चन था वो यूपी की करंट अफेयर्स से, मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा वो। उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। उत्तर प्रदेश का रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत शामिल जिले हैं। उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक डिफेंस गलियारा बनाया जा रहा है, डिफेंस से रिलेटेड जो गलियारा क्रिएट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत शामिल जिले हैं, 6 जिले हैं, रट लेना, अलीगढ़, कानपुर, आगरा, लखनऊ, झांसी व चित्रकूट। 6 जिले हैं और पक्का 100% मुझे उम्मीद है 2019 में आपका 6 जनवरी को पूछा जाएगा इसी तरीके से। ऑप्शन होंगे 4, जैसे ऑप्शन होंगे अलीगढ़, कानपुर, आगरा, मथुरा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत शामिल जिला नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन बनता है और आप वहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको अच्छे से लर्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न, देश का पहला नगद रहित द्वीप है। अब देखिए जो करंट में रहते हैं, अभी हाल ही में हमने जो UPPCS का पेपर दिया उसमें साइंस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था गिद्ध से रिलेटेड, गिद्धों के विलुप्त होने का कारण कौन सी, जो हमारा जो ये फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जो फार्मर्स लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, किस फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्सिबल माना गया है गिद्धों का। लेकिन क्वेश्चन क्यों पूछा गया वो साइंस में, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया बिकॉज अभी हाल ही में जो गिद्धों से CMS 12 हुआ, प्रवासी जनजातियों से रिलेटेड CMS 12 हुआ था इंडोनेशिया में, उसमें पूछा, उसमें गिद्धों की जनसंख्या पाई गई थी और जनसंख्या को काउंट किया गया और उसमें जो एशिया की थी जो विलुप्त प्रजाति थी, 4 गिद्धों की प्रजाति को विलुप्त प्रजातियों की उसमें घोषित किया गया था, शामिल किया गया था। तो हाल ही में बहुत बड़े कन्वेंशन में न्यूज में था। सो उसका क्वेश्चन बना दिया कैसा, अस्टेटिक अस्टेटिक जीके का क्वेश्चन बना दिया कि उन्होंने वहां से डायरेक्टली तो पूछा नहीं, तो लेकिन क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है, अस्टेटिक से पूछता है। अस्टेटिक्स में कैसे पूछा गया देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा स्टेटिक्स जी के बनाकर कैसे पूछता है। देश का पहला नगद रहित द्वीप है, तो सिंपली है ये अभी न्यूज में रहा है, करंग द्वीप है मणिपुर में, देश का पहला नगद रहित द्वीप हो करंग। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अब जैसे जी के आनी है, पूछा जाएगा करंग द्वीप किस राज्य कहाँ स्थित है, किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन आपको टिक करना होगा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, चारों ऑप्शन आपको नॉर्थ ईस्ट के ही मिलेंगे नो डाउट। सो इस तरीके से आपको करना है, डन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न, देश का पहला खादी खादी माल बनाया जा रहा है झारखंड। 19वां प्रश्न, पहले एक्सप्रेसवे जिस पर साइकिल पथ होगा, पहले एक्सप्रेसवे का नाम बताइए जिस पर साइकिल पथ होगा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 82 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ पूछ सकता है, टोटल कितनी है, टोटल कितने किलोमीटर का है। सो ये कितना है, 82 किलोमीटर। 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लंबाई है और ये पहला एक्सप्रेसवे है जिस पर साइकिल पथ होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पुट कर रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर कमेंट करिए जल्दी से। देश का पहला हरित एक्सप्रेसवे कौन सा है, अभी हाल ही में बहुत न्यूज में रहा है, चर्चा में रहा, देश का पहला हरित एक्सप्रेसवे, नाम बताइए, कमेंट करिए जल्दी से फास्ट। 20वां प्रश्न, भारत का पहला बायो फार्मा हब स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला बायो फार्मा हब स्थापित किया जाएगा जीनोम घाटी हैदराबाद। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, छत्तीसगढ़ सरकार ने, अभी इस पर भी बहुत डिस्कस हुआ था, बहुत न्यूज में रहा था ये क्वेश्चन, देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये भी। छत्तीसगढ़ सरकार ने नया रायपुर का नाम परिवर्तित कर रखा जाना प्रस्तावित है, तो जो नया नया रायपुर का नाम परिवर्तित कर जो प्रस्तावित किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वो है अटल नगर। अटल नगर उसको परिवर्तित नेम देने का प्रस्ताव रखा गया। अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ है,
किस डेट में अटल बिहारी जी का निधन हुआ है, कमेंट करके बताइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस ईयर के लिए, करंट के लिए। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अटल जी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। सो आप लोग एक्टिव हो जाइए, बिल्कुल एकदम कमेंट करके बताइए कब अटल जी की डेथ हुई, किस दिन। 22वां प्रश्न, भारत का 100वां कार्यात्मक हवाई अड्डा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत न्यूज़ में रहा, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। भारत का 100वां कार्यात्मक हवाई अड्डा है पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार सभी राज्यों या केंद्र प्रशासित राज्यों में कुल भिखारियों की संख्या सर्वाधिक है। सभी राज्यों को मिलाकर राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग टॉप सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे भिखारी किस राज्य में है, सबसे ज़्यादा टॉप संख्या किस में है, पश्चिम बंगाल। सरप्राइज है पश्चिम बंगाल में, तो मैं सोच भी नहीं सकता, उम्मीद भी नहीं थी मुझे, फिर भी देखिए क्या कर सकते हैं, करंट है। 24वां प्रश्न, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं सत्यपाल मलिक। अभी बहुत न्यूज में है सत्यपाल मलिक, वहाँ की गवर्नमेंट गिरा दी, विधानसभा भंग कर दिया, ये हुआ मुफ्ती मोहम्मद, ये सब अगर आप न्यूज़ पेपर देख रहे होंगे तो बड़ा हल्ला मचा था। अभी उमर अब्दुल्ला ये सब बहुत हा हुल्ला कर रहे थे कि हम लोग गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे। जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं सत्यपाल मलिक। इससे पहले सत्यपाल मलिक किस राज्य के गवर्नर थे, राज्यपाल थे, कमेंट करके बताइए। और आप हरियाणा के न्यू गवर्नर जो अपॉइंट नियुक्त किए गए हैं उनका नाम बताइए। जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, इससे पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। हरियाणा के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है उसको कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को NGT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये नियुक्ति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रट लो एकदम इसको। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो आपको कैसे क्वेश्चंस लगे हैं जो आज के क्वेश्चंस मैंने कराए, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो हमारे न्यू फ्रेंड्स है वो चैनल को अभी एकदम एट वंस उसको सब्सक्राइब करें, थंब बटन दे, लाइक का थंब बटन ज़रूर देना है आप सभी को। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज़ लाइक का थंब बटन दें और अपने फ्रेंड्स के साथ गीता IAS अकेडमी चैनल को सजेस्ट करें, शेयर करें, बताएं उनको कि गीता IAS अकेडमी चैनल पर आप लोग आए, सब्सक्राइब करें उसको। करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा हुआ है, करंट अफेयर करा रहा हूँ, सामाजिक अध्ययन करा रहा हूँ, साइंस का न्यू टॉपिक अभी नेक्स्ट अपडेट आने वाला है। जो लोग न्यू कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक कल या परसों में साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 20 या 25 क्वेश्चन का सेशन लेकर आऊँगा, साइंस बड़े अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा CGL लेवल के। तो CGL लेवल का UP TET में इस तरीके से पूछा गया था, CGL टाइप के क्वेश्चन निकाल के और आपके लिए लाऊंगा। साइंस का तो आएगा अभी आपके पास, सामाजिक अध्ययन का आएगा, साइकोलॉजी का चल ही रहा है साथ में, और करंट अफेयर्स के तो हम 6-7 करा चुके हैं, 5वां है आज, 6-7 कल आ जाएंगे। करंट अफेयर का तो मोस्टली हमें, मेरा टारगेट है मैं आपको 1500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊं, 1500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर तक मैं आपको वीडियोस के थ्रू दे चुका हूंगा, जिसमें आपके 200 से 250 क्वेश्चन UP के करंट अफेयर के होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आर चैनल गीता IAS अकेडमी चैनल, एंड सजेस्ट देम दैट देयर इज गोइंग ऑन अ इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स फॉर 69,000 वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट टीचर कंडक्टेड बाई UP गवर्नमेंट प्रयागराज इलाहाबाद के द्वारा, प्रयागराज द्वारा जो कंडक्टेड कराई जा रही है। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अलॉट फॉर योर रिस्पॉन्सेज, बाय बाय फ्रेंड्स।